नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। भारत के मिजोरम से सटी सीमा पर म्यांमार सेना ने विद्रोही संगठनों के कैंप पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले से म्यांमार के विद्रोही संगठनों से जुड़े कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। मंगलवार को मिजोरम से लगी भारत की सीमा पर एक प्रमुख विद्रोही शिविर पर म्यांमार सेना ने बमबारी की। एयर स्ट्राइक के चलते शिविर के करीब राज्य के चंफाई जिले के इलाकों में भय और दहशत फैल गई है। एयर स्ट्राइक के दौरान कम से कम एक गोला भारत की ओर गिरा। चंफाई जिले के एक अधिकारी के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन के पास एक नदी तट पर एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार के निर्देश पर मंगलवार यानी कि 10 जनवरी को चिन नेशनल आर्मी CNA के विक्टोरिया कैंप पर एरियल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। गौरतलब है कि चिन नेशनल आर्मी ने म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा है। भारत के उत्तर पूर्व राज्य मिजोरम से सटी म्यांमार की सीमा में विक्टोरिया कैंप में CNA का मुख्यालय है। इसी मुख्यालय पर म्यांमार की सेना ने अपने लड़ाकू विमानों से बम गिराए हैं। कैंप विक्टोरिया के 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में मिजोरम के फॉरकॉन गांव के निवासी बमबारी की आवाज सुनकर घबरा गए हैं। टियाऊ नदी के भारतीय किनारे पर काम करने वाले लोग बम की आवाज सुनकर अपने घरों में भाग गए। हालांकि भारत की ओर से कोई इस एयर स्ट्राइक पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। भारतीय सैन्य सूत्रों ने कहा कि बम नदी में गिर गया था। पूरे देश में इस समय जोशीमठ की इमारतों की चर्चा है। जोशीमठ की इमारतों में आए दरारों के बाद प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ जैसे ही हालात कर्णप्रयाग में भी नजर आते हैं। जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर चमोली जिले के कर्णप्रयाग की बहुगुणा कॉलोनी में 2 दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आ गई हैं। बहुगुणा कॉलोनी के इन मकानों में पहली दरार करीब 1 दशक पहले नजर आई थी, लेकिन अब ये दरारें इतनी चौड़ी और लंबी हो गई हैं कि खतरा साफ साफ नजर आने लगा है। दरारों वाले मकानों को लोग खाली करने को मजबूर है। मकान मालिक अपने घरों को छोड़कर किराए पर रहने पर या नगर पालिका के शेल्टर में रहने को मजबूर है। बहुगुड़ा कॉलोनी में रहने वाली तुला देवी बिष्ट बताती हैं कि उन्होंने साल 2010 में घर बनवाया था। 3 साल बाद उनके नजदीक एक मंडी बना दी गई थी, तभी से दीवारों पर दरारें उभर आई। उन्होंने बताया कि साल 2013 तक सब सही था, शुरू में हमने दरारों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ज्यादातर कमरों में रहना खतरे से खाली नहीं है। उनके घर की ज्यादातर दीवारों में दरारें दिखाई देती हैं। इन दरारों को भरने से सभी प्रयास बेकार साबित होते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये दरारें फिर उभर आती हैं। उत्तर भारत को अभी और भी सर्दी से राहत नहीं नजर आ रही है। ठंड के कहर का सामना कर रहे उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों को आने वाले दिनों में फिर से पारा गिर सकता है। मौसम की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में पारा 4 से 2 डिग्री के बीच तक जा सकता है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि 14 जनवरी से 19 जनवरी तक सर्दी एक बार फिर से कहर ढाएगी। इस दौरान 16 जनवरी से 18 जनवरी बेहद सर्द रहने की संभावना है। बता दें कि उत्तर भारत इस साल की शुरुआत से कड़ाके की ठंड का सामना कर रहा है। लोग ठंड से कितने परेशान हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैदानी इलाकों में पहाड़ों जैसे हालात हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली कई दिनों तक धर्मशाला से भी ज्यादा ठंडी रही। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।